बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जिनका करियर शुरुआत में अच्छा रहता है, मगर बाद में इंडस्ट्री में पांव जमाने के लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। काम पाने के खातिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के घर और ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसा ही आलम अब एक्ट्रेस अमीषा पटेल का भी है। कहोना प्यार है से घर घर में पॉपुलर हुई एक्ट्रेस इस वक्त तंग हाली से गुजर रही है। एक्ट्रेस के पास कोई काम नहीं। एक्ट्रेस का हाल कुछ ऐसा है कि एक प्रोड्यूसर ने उन पर पैसा हड़पने तक का आरोप लगा दिया। अमीषा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिसमें धोखाधड़ी यानी 420 और विश्वासघात यानी 406 के तहत FIR दर्ज की गई थी। असल में प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म देसी मैजिक में काम करने के लिए अमीषा के बैंक में 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। फिल्म के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये फिल्म किस तरह शूट होने वाली थी। देसी मैजिक नाम की इस फिल्म के प्रोड्यूसर का आरोप है कि अमीषा ने ना तो फिल्म का शूट पूरा किया और ना ही प्रोड्यूसर के पैसे वापस किए। प्रोड्यूसर ने बयान दिया है कि अमीषा ने पैसे वापस करने के लिए जो चेक दिया था वो चेक भी बैंक में बाउंस कर गया। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की कार्यवाही में जजेस द्वारा ये आदेश दिया गया है कि अमीषा को प्रोड्यूसर का पैसा वापस देना होगा। जी हाँ, काम पाने के लिए पहले एक्ट्रेस ने ऐसी फिल्म को हाँ कहा और अब प्रोड्यूसर का पैसा वापस नहीं कर पा रही एक्ट्रेस। कर्जे में डूबी अमीषा पटेल को इस वक्त काम की बेहद जरूरत है। उम्मीद है कि बॉलीवुड की तरफ से अमीषा पटेल को कोई मदद मिल जाए। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।